आप सब, आशा है आप सभी अच्छे होंगे। मैं हूँ आपकी दोस्त अंजू और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक बहुत ही प्यारा सा ब्लॉग, क्योंकि आज हम लोग जा रहे हैं सैर करने। आज संडे है तो आज हम जा रहे हैं कन्नौज घूमने दोस्तों। तो कन्नौज जाने के लिए हम चार लोग जाएंगे, फोर व्हीलर से जाएंगे, बहन जाएगी हमारी, उनके हस्बैंड जाएंगे, हाँ, और हम जाएंगे और मेरे भी हस्बैंड जाएंगे। तो हम सभी लोग आज जाएंगे घूमने। बहुत दिनों से गुरुजी से नहीं मिले हैं, तो हमारे गुरुजी कन्नौज में रहते हैं, तो उनसे मिलने जाना है। तो हम इसलिए आज सुबह सुबह अपने लंच की तैयारी कर रहे हैं। तो ये हमने आलू छील के रखे हुए हैं, देख सकते हैं आप लोग, सब्जी बनाने जा रहे हैं। सवेरे 5 बज चुके हैं और 6 बजे हमें निकलना है। और ये हमने पूड़ियाँ भी बना ली हैं, तो अभी कुछ पूड़ियाँ हमारी बन रही हैं, आप लोग देख सकते हैं, ये पूड़ियाँ हमारी पक रही हैं। और सब्जी अभी हमने नहीं बनाई है, तो सब्जी भी हमको बनानी है, सब्जी बना लेंगे और उसके बाद हम रेडी हो जाएंगे। अभी बहन हमारी आई नहीं है, वो आने वाली है, रास्ते में है, उसका कॉल आया था, तो हम तैयारी करने जा रहे हैं दोस्तों। तो ये अभी हम खाना हमारा बन जाएगा, उसके बाद हम इसको पैक करेंगे और फिर तैयार हो जाएंगे और फिर चले जाएंगे। तो आज हम आपको यहाँ से लखनऊ से लेकर के कन्नौज तक की पूरी जर्नी दिखाएंगे, कैसे हम गए, कैसे मिले गुरुजी से। आप सभी लोग हमारे साथ बने रहिएगा, हमारी वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो पसंद आती है तो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करिए। अब हम गाड़ी में बैठ रहे हैं दोस्तों, हमारी गाड़ी है किया, हम किया गाड़ी से जा रहे हैं। हम चार लोग जा रहे हैं, बहन है, बहन के हस्बैंड है और हम, मेरे हस्बैंड भी हैं, तो हम चारों लोग जा रहे हैं। और जो मैंने नाश्ता बनाया था, मैंने सब्जी पूड़ी बनाई है, तो मैंने सब्जी पूड़ी भी रख ली है, क्योंकि वापसी में पता नहीं हमको कितना टाइम हो जाए, तो इसलिए हम अपने इंतज़ाम से जा रहे हैं, क्योंकि 1:30 बजे के करीब हमको भूख लगेगी, तो इसलिए हमने खाना रख लिया है। और ये आप देख सकते हैं रोड पर बिल्कुल सन्नाटा पसरा हुआ है, क्योंकि सवेरे सवेरे 6 बजे हुए हैं। जो लोग मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं वही लोग दिखाई दे रहे हैं और बिल्कुल सन्नाटा है। जो भी दुकानें हैं, रोडें हैं, मॉल हैं, सब बंद हैं, क्योंकि सुबह है, सुबह का टाइम है। तो ये हमारे घर का ही थोड़ा सा, घर से थोड़ी दूरी पर का ही रास्ता है, जो रोड है, हम अपना सीन दिखा रहे हैं आपको। ये हमारे घर की थोड़ा सा आगे ही है, तो ये हमारे एरिया का ही सीन है। और हमको सुबह सुबह 7 बजे कुछ खाना रहता है, तो हमको भूख लग रही थी, तो हम एप्पल लेकर आए हैं, क्योंकि हमने चाय नाश्ता भी नहीं किया है। वैसे भी हम चाय नाश्ता नहीं करते हैं, चाय तो हम बिल्कुल भी नहीं पीते हैं, और सवेरे सवेरे हो सकता है तो हम एप्पल ही खाते हैं, तो इसलिए हमने एप्पल रख लिया है। और हम जा रहे हैं, तो लगभग अभी हम गुरुजी के एरिया में पहुंच गए हैं। लगभग 45 मिनट का रास्ता है अभी गुरुजी के पास पहुंचने में। तो यहाँ का थोड़ा सा देहात है, गांव का एरिया है, तो यहाँ पर आपको जंगल दिखाई दे रहा होगा, बहुत सारे पेड़ पौधे दिखाई दे रहे हैं। तो अभी हम गुरुजी के गांव में पहुंचने वाले हैं। ये हम लोग रुके हैं पेट्रोल पम्प पे, तो अभी हम लोग को थोड़ा सा वॉशरूम जाना है, इसलिए हम लोग रुके हुए हैं। और उसके बाद हम लोग अभी फिर से जाएंगे। अभी हमको लगभग 5-6 किलोमीटर अभी और आगे जाना है। तो आप लोग देख सकते हैं ये पेट्रोल पंप है, पेट्रोल पंप के पीछे हम आए हुए हैं, जैसे शायद आपको ना दिखाई दे रहा हो। हाँ, ये देखिए पीछे रोड है, काफ़ी लंबा चल के आए हम लोग, 1.5 घंटे से चल ही रहे हैं बराबर, और अभी भी हमें पहुँचने में आधा घंटा लगेगा। आप लोग देखिए कि यहाँ का पेट्रोल पम्प कितना छोटा सा है, कुछ अलग सा ही लग रहा है। हमारे यहाँ लखनऊ में तो बहुत बड़े बड़े पेट्रोल पंप होते हैं, बड़ा यहाँ पर भी है, एरिया इसका बड़ा है, देख सकते हैं आप लोग, काफ़ी बड़ा है, लेकिन यहाँ पर कुछ भी बना नहीं है, बिल्कुल सादा सादा सा ही है। ये देखिए हम आपके सामने से दिखा रहे हैं, ये देखिए सामने से हम आपको दिखा रहे हैं। तो है तो काफ़ी बड़ा फील्ड है, लेकिन यहाँ पर ज़्यादा कुछ बना नहीं है, बिल्कुल सादा सिंपल सा है, जहाँ पर लोग पेट्रोल भरवा रहे हैं। बहुत सारी ट्रक भी खड़ी हुई हैं। और अब हम, ये मेरी गाड़ी है, तो अब हम लोग भी जा रहे हैं, आधा घंटे का रास्ता है, आधा घंटे में हम लोग पहुँच जाएंगे। 8 बजे हम लोग बिल्कुल गुरुजी के घर पर पहुँचने वाले हैं, क्योंकि ये जो एरिया है ये बिल्कुल गुरुजी के घर के बगल का ही है। तो अभी हम आपको दिखा देते हैं, गुरुजी का घर भी यहीं से दिखाई देता है पूरा। वो जो सामने बिल्डिंग दिखाई दे रही है वही है गुरुजी की बिल्डिंग, तो हम लोग वहीं पे जा रहे हैं। और मुझे लग रहा है दूर से ही दिखाई दे रहा है कि वहाँ पर भीड़ है, बहुत ज़्यादा भीड़ इकट्ठी है। तो यहाँ पर 8 बजे से ही गुरुजी मिलते हैं, काफ़ी दिन हो गया है, हम काफ़ी दिनों के बाद आए हैं, लगभग 4-5 सालों के बाद ही हम आए हैं यहाँ पर।
बहुत अच्छे गुरु जी हैं, तो इनके दर्शन करने हम आए हैं और बहुत सारी समस्याओं का ये ट्रीटमेंट भी करते हैं, तो इसीलिए यहाँ पर लोग बहुत दूर दूर से आते हैं। तो देखिए सवेरे के 8 बजे हैं और ये जो लोग आए हुए हैं सब दूर दूर से आ गए हैं, पहले से ही आके यहाँ पर खड़े हुए थे और अभी अभी ये गेट खुला हुआ है तो सभी लोग गेट के अंदर जा रहे हैं। अंदर भी जा करके हमने देखा है कि यहाँ पर बहुत सारी भीड़ पहले से इकट्ठी है, आप लोग सामने देख सकते हैं काउंटर पर बहुत ज़्यादा भीड़ लगी हुई है। तो यहाँ पर हम लोग थोड़ी देर के लिए बैठे हुए हैं, थक गए थे, तो यहाँ पर चाय वाय भी मिलती है, लेकिन यहाँ पर जो हर्बल चाय होती है वही मिलती है, इसके अलावा और कोई चाय वगैरह यहाँ पर नहीं है। चने मिलते हैं, यानी कि सेहत से संबंधित जो आपकी सेहत के लिए अच्छा है वही यहाँ पर मिलता है, इसके अलावा आपको कुछ नहीं मिलेगा। तो अब हम ऊपर जा रहे हैं क्योंकि सेकंड फ्लोर पर ही गुरु जी रहते हैं, तो वहीं पर हम जा रहे हैं। तो यहाँ पर हमने देखा कि यहाँ बहुत सारी भीड़ इकट्ठी है, पहले से लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, बैठने की भी पूरी सुविधा है। तो अब हम आ गए हैं गाड़ी में, क्योंकि गुरुजी से तो अभी हमारा मिलना हुआ नहीं है, मिल नहीं पाए हैं हम, क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ है उनके पास, बहुत सारे भक्त उनके साथ हैं और वहाँ पर लंबी सी लाइन भी लगी हुई है। तो हमने बहुत कोशिश की है उनसे मिलने के लिए लेकिन नहीं मिल पाए हैं, और मेरा जी मिचली कर रहा था, सर में दर्द होने लगा, तो इसलिए हम आके गाड़ी में बैठ गए हैं, पानी पी रहे हैं, देखेंगे अगर मिलना होगा तो मिल पाएंगे, नहीं तो हमको लग रहा है कि हमको ऐसे ही वापस जाना पड़ेगा। हमको बहुत भूख लगी है, सब लोग अंदर बैठे हैं, निकल पाए बढ़ा रहे। खाना वाना खा करके हम फिर से दोबारा आए हैं, एक बार और कोशिश करते हैं, हो सकता है हमारी मुलाकात हो जाए, तो इसलिए हम दोबारा एक बार और ट्राई करने आए हैं, और ट्राई किए हैं तो हमको मौका भी मिल गया है, बिल्कुल हमको जाने का मौका मिल गया है। और अब हम अंदर जाएंगे और गुरुजी से बातचीत करेंगे। तो ये हमारे गुरुजी हैं, आप लोग देख सकते हैं बैठे हुए हैं, आमने सामने से बात हुई हमारी थोड़ी देर इनसे और उसके बाद हम चले आए हैं। अब हम लोग वहाँ से निकल चुके हैं और अब हम रास्ते में रुके हैं, तो हमारा चाय पीने का बहुत मन है, तो अब हम चाय पियेंगे, तो आप लोगों को दिखाएंगे। तो यहाँ पर भट्टी में चाय बनेगी, तो आप लोग देखिए भट्टी वाले चाय, ये देखिए अभी भट्टी नहीं जली है, अभी भट्टी जलने वाली है, और ये यहाँ पर बतासे खाने जा रही हैं, देखिए इन सबको भूख लगी हुई है, तो ये पहले बतासे खाएंगे और उसके बाद ये खाना खाएंगे। ये इधर को इधर दही भल्ले टिक्की, इसका नाम भी तो होगा कुछ, ये है, ये नाम पढ़ नहीं पाएंगे, इसमें बंगाली भाषा या पंजाबी भाषा लिखी है, पता नहीं क्या भाषा लिखी है, समझ ही नहीं आ रहा। गोल गप्पे टिक्की बतासे, टेस्ट अच्छा है, ये हम भी खाएंगे। ज्यादा नहीं, बहुत अच्छा है। पावर हाउस में इसे बनाता है, लगाता है, ठीक
मुझे आ गया कड़वा कड़वा दस सकते अब नहीं। और ये देखिए चाय बन रही है, भट्टी पर चाय बिल्कुल पकने लगी है, आप लोग देख सकते हैं। तो आज हम लोग भट्टी की चाय पियेंगे। और अभी इन लोग का खाना नहीं हुआ है, ये लोग बतासे खा लेंगे, उसके बाद ये लोग खाना खाएंगे। तो मैंने तो खा लिए थे, दो तीन पूड़ी मैंने खाई थी, इन लोगों ने अभी कुछ भी नहीं खाया है। तो अब ये लोग खाएंगे, पहले बतासे खाएंगे, फिर चाय पियेंगे, और उसके बाद ये लोग सब्जी पूड़ी भी खाएंगे। ये चाय पक चुकी है, बहुत देर तक ये पकी है, तो बहुत ही टेस्टी चाय पकी होगी। तो अब हमारा खाना होने जा रहा है कि ये लोग भूखे हैं और इनको बहुत तेज़ी से भूख लगी है, तो हम इनको खाना खिला रहे हैं। आप लोग देख सकते हैं कि पूड़ी मैंने बनाई थी और सब्जी, आलू की सब्जी बना के ले गए थे, तो ये लोग चाय और सब्जी पूड़ी एक साथ ही खा रहे हैं, एक साथ ही खाएंगे। और ये भैया जी हैं जो कि चाय बनाए हैं, तो चाय बहुत ही टेस्टी पकी है, क्योंकि बहुत देर तक पकी है। भट्टी पे चाय वैसे भी बहुत अच्छी बनती है, बहुत टेस्टी बनती है। अगर आप लोग भी भट्टी की चाय कभी नहीं पिए हैं तो ज़रूर एक बार ट्राई करिएगा, टेस्ट ज़रूर करिएगा, क्योंकि भट्टी की चाय बहुत ही टेस्टी रहती है और पीने में भी बहुत अच्छी लगती है। तो ये हमारी गाड़ी खड़ी हुई है और ये लोग अभी खाना खा रहे हैं, तो इनका खाना लगभग हो चुका है। और खाना खाने के बाद हम लोग यहाँ से फिर से निकलेंगे, क्योंकि अभी हम लगभग 1.5 घंटे की दूरी पर हैं। अभी हमारा घर यहाँ से 1.5 घंटा दूर है, 1.5 घंटे का रास्ता है। तो आप लोग सोच रहे होंगे यहाँ पर इतनी भीड़ क्यों लगी है, क्योंकि यहाँ पर कुछ ऐसा हो गया है जिसके कारण यहाँ पर भीड़ लगी है। अभी तो कम भीड़ है, बहुत ज़्यादा भीड़ थी यहाँ पर। अभी मैंने थोड़ा सा वीडियो शूट नहीं किया था, क्योंकि भीड़ इतनी ज़्यादा इकट्ठी हो गई थी कि मुझे वीडियो शूट करने की बिल्कुल याद ही नहीं आई और नहीं शूट कर पाए हैं। तो यहाँ पर बहुत सारी भीड़ इकट्ठी थी, अब तो भीड़ काफ़ी कम हो चुकी है। तो यहाँ पर क्या हुआ है हम बिल्कुल आपको बताएंगे, पूरा दिखाएंगे, क्योंकि यहाँ पर पुलिस भी आई हुई है, थाना पुलिस हो गया है। तो ये पुलिस वाले हैं और हम लोग भी हैं यहीं पर, हमारे साथ बहुत बड़ा हादसा हो गया है दोस्तों, क्योंकि हमने कभी सोचा भी नहीं था कि इतना अच्छा अच्छा सब कुछ रहा और जाते समय हमारे साथ इतना बड़ा हादसा हो जाएगा कि हमारी तो जान पे बन आई थी, जान जाते जाते बची है। तो ये देखिए हमारी बहन भी खड़ी हुई है, क्योंकि हम सब लोग बहुत परेशान हैं। तो गाइस रास्ते में आते समय हो गया है एक्सीडेंट, हमारी गाड़ी से टू व्हीलर से टक्कर हो गई है, तो गाड़ी से एक्सीडेंट हो गया है। और वो दोनों जो बाइक चला रहे थे वो पूरी तरह से ड्रिंक किए हुए थे, बहुत ज़्यादा शराब के नशे में थे और बहुत ही तेज़ स्पीड से थे, और आगे अचानक से हमारी गाड़ी से टकरा गए। तो आपने देखा कि हमारी गाड़ी भी डैमेज हो गई है, दोनों पहिए फट गए हैं, और उन दोनों की गाड़ी जो बाइक थी उसमें भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है। और उन दोनों के बहुत ज़्यादा चोट नहीं आई है, चोट हल्की फुल्की ही आई है, लेकिन अब एक्सीडेंट तो हो गया है। और मौके पर बहुत सारी भीड़ भी इकट्ठे हो गई थी, तो हम पूरी भीड़ भी आपको दिखा देते हैं दोस्तों। सिचुएशन बहुत ही ख़राब हो गई है यहाँ पर, और अभी हमने 100 नंबर डायल करके पुलिस को भी बुलाया है, पुलिस आ गई है और अपना सारा इंक्वायरी कर रही है, सारी इंक्वायरी हो जाएगी तभी हम घर जाएंगे। तो ये हमारे साथ बहुत बड़ा लोचा हो गया है, यानी कि हम बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस गए हैं। हम 1 से 2 घंटे के अंदर अपने घर पहुंच जाते, लेकिन नहीं पहुंच पाए हैं, क्योंकि हमारे संग हादसा हो गया है। ये टू व्हीलर खड़ी है, आप देख सकते हैं कि यहीं पर एक्सीडेंट हुआ है, और ये टू व्हीलर खड़ी हुई है और हमारी 4 व्हीलर आगे बढ़ा के खड़ी कर दी गई है। बहुत सारी भीड़ अभी यहाँ पर इकट्ठी थी और इस समय पूरा सन्नाटा है, लगभग 2 घंटे हो गए हैं हमको और हम यहीं पर फंसे हुए हैं। और वो दोनों जो बाइक से थे जिनका एक्सीडेंट हुआ है उनको हॉस्पिटल ले जाया गया है मेडिकल कराने के लिए, तो उनका मेडिकल भी हो गया है, उनको बहुत ज़्यादा चोट नहीं आई है, कहीं पर भी उनको टूटा फूटा नहीं है, बस उनको हल्की फुल्की खरोच ही आई है। तो अभी थोड़ा सा प्रोसेस और बाकी है, वो सारा प्रोसेस हो जाता है, उसके बाद ही हम लोग उसके लिए निकलेंगे, लखनऊ के लिए रवाना होंगे।
ये हादसा हमारे साथ वापसी में आते समय बिल्हौर रोड पर पाचूपुरवा गांव के पास हुआ है दोस्तों। तो यहीं पर हम लोग फंसे हुए हैं क्योंकि गाड़ी हमारी इतनी ज़्यादा डैमेज हो गई है कि हम गाड़ी लेकर जा नहीं सकते हैं, क्योंकि हमारी गाड़ी के दोनों पहिए फट गए हैं। हम आपको दिखा देते हैं पूरा किस तरह से हमारी गाड़ी डैमेज हुई है और उनकी गाड़ी भी डैमेज हुई है, वो उसको भी हम आपको दिखाएंगे। तो ये हमारी गाड़ी के दोनों पहिए फट गए हैं, तो ये बिल्कुल जाने की कंडीशन में नहीं है, क्योंकि ये अब यहीं से कंपनी ही जाएगी गाड़ी। देख सकते हैं आप किस तरह से पहिए फटे हुए हैं, तो ये बिल्कुल चलने लायक नहीं बची है गाड़ी हमारी। तो अब हम लोग बहुत मुसीबत में फंसे हुए हैं। अब हम लोग थाने पर आ गए हैं, क्योंकि थाने पर तो आना बनता ही था, क्योंकि 100 नंबर जो डायल किया था। और ये उनकी गाड़ी है, उनकी गाड़ी की ये कंडीशन है, आप लोग देख सकते हैं। उनकी गाड़ी भी डैमेज हुई है, जैसे हमारी गाड़ी डैमेज हुई है वैसे उनकी भी गाड़ी डैमेज हुई। लेकिन ऊपर वाले की इतनी दया रही कि किसी की जान नहीं गई है, ऊपर वाले ने हमें बाल बाल बचा लिया। तो ये थाना है और हम सभी लोग लगभग 4 बजे के करीब थाने पर हैं, थाने पर बैठे हुए हैं। और वो लोग कह रहे हैं कि हमको गाड़ी सही कराने का 25,000 रुपया चाहिए दोस्तों। तो ये हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो रहा है कि हम 25,000 रुपये कैसे मैनेज करें। और दूसरी बात ये है कि इतना ज़्यादा पैसा भी बाइक में नहीं लगेगा, क्योंकि उनकी बाइक ख़राब ज़रूर हुई है लेकिन इतना ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ है कि उसमें 25,000 रुपये लगें। तो इसलिए हम लोगों ने 25,000 रुपये देने से मना कर दिया है। हमने बोला है कि मुकदमा आप लिखवा दीजिए, लेकिन वो लोग जब सुने हैं कि मुकदमा दिखाएंगे तो वो 10,000 रुपये पे रेडी हुए हैं। तो हमने कहा चलो ठीक है, हम लोग टाइम से घर पहुंच जाएं और इस उलझन से बाहर निकल जाएं, इस समस्या से बाहर निकल आएं। तो हमने 10,000 रुपये दे दिए हैं और हम लोग वहां से सुलह नामा लिखवा करके घर वापस जा रहे हैं दोस्तों। तो ये 6 बजे के करीब हम अपने आसियाना साइड पहुँच चुके हैं और बहुत ही जल्दी अपने घर पहुंच जाएंगे। तो आप लोगों ने देखा कि हम कितनी बड़ी मुसीबत से बाहर निकल कर आए हैं, पूरे हमारे 4-5 घंटे बर्बाद हुए हैं, रोड पर ही हम टहलते रहे हैं और फाइनली अब हम अपने घर पे पहुंच आए हैं, पहुंच गए हैं। तो हम ऊपर वाले का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने हमको बहुत बड़ी मुसीबत से बचा लिया। अगर ऊपर वाले की दया दृष्टि नहीं होती तो शायद आज हम घर भी वापस नहीं आ पाते दोस्तों। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।